नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ का व्रत आने वाला था। माँ पार्वती अपने हाथों में मेहंदी लगा रही थी, तभी भगवान शिव आते हैं और बोलते हैं माता पार्वती से, क्या बात है देवी, आप अपने हाथों पे मेहंदी रचा रही हैं, कोई खास आयोजन है क्या? माता पार्वती कहती हैं, कल करवा चौथ का व्रत है स्वामी, आपको तो ज्ञात ही है इस व्रत से मेरा कितना ज़्यादा लगाव है। मैं भी प्रतिवर्ष इस व्रत के आने का आस लगाती हूँ। आपकी रक्षा की कामना हेतु अपने इस प्रेम को अटूट बनाने के लिए ये व्रत कर सकूँ। भोलेनाथ, देवी आप मेरी शक्ति हैं, हम दोनों का जन्मों जन्मों का संबंध है, आपकी भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी आपकी भक्ति प्रेरणादायक है, प्रत्येक स्त्री अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। स्वामी मैं चाहती हूँ कि इस व्रत को पृथ्वी लोक में जाकर करूँ, मैं मनुष्यों के बीच में मनुष्य रूप लेकर पृथ्वी लोक में जाकर ये व्रत करना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है पार्वती, जैसा आप चाहें। माता पार्वती एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेती हैं और वह पृथ्वी लोक चली जाती हैं। कुछ औरतें तैयार होकर 16 सिंगार कर पूरा माथे पे मांग टीका, गले में हार, पैर में पायल, नया वस्त्र, पांव में बिछुआ, हाथों में मेहंदी, सभी औरतें पूरा 16 सिंगार कर तैयार होकर हाथों में पूजा की थाली लेकर पूजा करने जा रही थी। तभी एक औरत का नज़र माता पार्वती पे आता है। अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो पूजा करने, तुमको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, यहाँ पे इस गांव में नई आई हो क्या? तभी सामने से आवाज़ आता है। माता पार्वती कुछ कहना ही चाहती है और वो कहते कहते रुक जाती हैं, क्योंकि सामने से आवाज़ आता है, अरे बहन जल्दी करो, पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो वो औरत बोलती है माता पार्वती को, बहन चलो हम लोगों के साथ तुम पूजा कर लो। सभी लोग माता पार्वती का पूजा करते हैं, भगवान शिव जी का और माता पार्वती की पूजा करते हैं, करवा भगवान का पूजा करते हैं और पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। भगवान का धन्यवाद करते हैं और माँ पार्वती की जय जयकार करते हैं। जब पूजा ख़त्म हो जाता है तो सभी औरतें अपने अपने घर जाने लगती हैं। तो माता पार्वती भी हिमालय जाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी वो औरत रोक देती है माता पार्वती को, अरे बहन रुको, कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हारा तो कलश यहीं रह गया है। तो माता पार्वती अपना कलश लेने के लिए वापस आती है। तो वो औरत बोलती है, बहन तुम्हारा कलश तो यहीं पे रह गया, अपना कलश उठा लो। और हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम इस गांव में नई आई हो क्या, या फिर किसी की बहू हो तुम? तो माता पार्वती बोलती हैं, हाँ बहन मैं इस गांव में नई नई आई हूँ और मेरे पति बाहर गांव गए हैं काम करने के लिए, मैं अभी घर पे अकेली हूँ। तो वो औरत बोलती है, बहन तुम अकेले कैसे व्रत तोड़ोगी और क्या क्या भोजन बनाओगी, तुम चलो मेरे साथ, मैं कई तरह का भोजन बनाई हूँ, पकवान बनाई हूँ, चलो मेरे घर और मेरे साथ ही तुम व्रत को खोलना। तो माता पार्वती उस औरत को इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मुझे घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो औरत बार बार आग्रह करने लगती है कि चलो बहन मेरे घर चलो, चलो बहन मेरे घर चलो। उसका बार बार आग्रह करना तो माता पार्वती इनकार नहीं कर पाती हैं और वो उस औरत के घर चली जाती हैं। वहाँ पे कुछ औरतें हाथ में पूजा का थाली लिए और छलनी लिए चांद का इंतज़ार कर रही थी। तभी माता पार्वती भी वहीं जाकर खड़ी हो जाती हैं। तो सभी औरतें आपस में बात करती हैं,
आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा, और अचानक से भी मौसम ख़राब हो जाता है। वैसे तो चांद निकला भी नहीं था और अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया, तेज़ हवाएं चलने लगी। और माता पार्वती शंकर भगवान को छलनी में देखना और अपना व्रत खोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। तो ये औरतें कहती हैं, अब हम लोग चांद को कैसे देखेंगे, चांद का पूजा कैसे करेंगे और अपना व्रत कैसे खोलेंगे। तभी औरतों के बीच में एक औरत बोलती है, चलो माँ पार्वती की जय जयकार करते हैं, माँ पार्वती को मनाते हैं, माँ पार्वती हम लोगों की प्रार्थना ज़रूर सुनेंगी और ये सब रोक देंगी और फिर हम लोग चांद का पूजा कर पाएंगे। सारी औरतें अपनी आँखें बंद कर लेती है और माँ पार्वती को ध्यान लगाकर जय जयकार करने लगती है। तभी माता पार्वती उन लोगों के सामने से अंतर ध्यान हो जाती है। जब सारी औरतें अपनी आंखें बंद की थी तभी उन्हें उस औरत के छवि में माता पार्वती दिखती है। वो लोग फटाक से अपनी आंखें खोलती है और सामने देखती है तो कोई भी नहीं होता है और फिर मौसम भी शांत हो जाता है, चांद निकला है, सारी औरतें पूजा करती हैं। तभी उसमें से एक औरत बोलती है, अरे वो बहन कहाँ गई। तो दूसरी औरत बोलती है, तुम उस बहन को पहचान नहीं पाई, वो माता पार्वती थी, उनके चेहरे का तेज और उनकी सुंदरता देखकर तो मैंने पहले ही शक कर लिया था कि ये कोई देवी ही है। तो सभी लोग माता पार्वती की धन्यवाद करती हैं और फिर अपने अपने घर जाकर व्रत खोलती हैं। और यहाँ माता पार्वती हिमालय पे आती हैं और फिर शंकर भगवान की पूजा करती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। जिस प्रकार माता पार्वती सारी औरतों पे अपनी कृपा की, उसी प्रकार माता पार्वती ये कथा सुनने वाले के ऊपर और करवा चौथ व्रत करने वाले के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ पार्वती।